वादी कश्मीर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा होगा, कितने सारे लोगों का घर इससे चलता होगा। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उससे शायद इंतजामिया को और अच्छे से समझ आएगा कि अगर सोपोर फ्रूट मंडी का खाली सितंबर महीने में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे कश्मीर में कितना नुकसान हुआ होगा। तो चलिए आपको ले चलती हूँ साउथ कश्मीर के पुलवामा, जहां पर एक लोकल है फारूक, जिन्होंने वीडियो सेंड किया है जहां पर एप्पल्स की पूरी तरह से पैकिंग की जाती है और कितनी मेहनत लगती है उनको छानने में, अच्छे अच्छे सेब की पैकिंग करने में, उनको सीक्वेंस में लगाने में, और वहां से ही एलजी इंतजामिया से वो एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई शायद ही हो। ये वीडियो देखिए। जो ये सेब की बेकदरी हो गया और रोड से जो कॉन्वे बंद किया, बहुत मुश्किलात है। कश्मीरी 80% लोग इसी पर गुजारा करता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। कश्मीर की ग्रोवर इस वक्त व्यापारी भी खराब हो गया, ना ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलियत है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई सहूलियत है। हम मरकजी सरकार को मतबाना गुजारिश करते हैं, एक नेशनल हाईवे की तरफ तवज्जो दे। दूसरा, एलजी साहब या मरकजी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब बाहर से सेब बंद करे, कश्मीर की मैशत खत्म हो गया। अगर सेब पर पूरा तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी मैशबदिन खराब ही हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मतबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे कश्मीर की इक्तिसादी माली हालात खराब हो जाएंगे, पूरे कश्मीर बर्बाद व तबाह हो जाएंगे। कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है सिर्फ सेब। ये बाहर से भी सेब लाते हैं, कश्मीरी सेब को क्या करेंगे। बाकी वस्सलाम।